आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिलेलन वॉइस पे। और मैं अभी कोडरमा में हूँ, कोडरमा स्टेशन, और कोडरमा स्टेशन से मैं अभी जाऊँगा धनबाद और टिकट ले लिया है बकाया सुपरफास्ट का। जैसलमेर हावड़ा ट्रेन आ रही है और जो कि लेट है और तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी और मैं अभी जाऊँगा प्लेटफॉर्म पे और भी कोडरमा से धनबाद तक का सफ़र जिंदल कोच में दिखाऊँगा। वो कल जो दिखाया था पिछली वीडियो में वो नाइट का था, गंगा दामोदर से मैं आया था। अभी दिन का रहेगा, क्या रशेस रहती है लंबी ट्रेनों में वो देखने को मिलेगा। और तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पे अगर नए हैं तो शेयर भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके सुझाव दें कि हमें और क्या क्या चीज़ों पर वीडियो बनानी चाहिए। और चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम कि कोडरमा जो है मेन स्टेशन में झारखंड का लास्ट स्टेशन पड़ता है, इसके बाद मेन जो स्टेशन पड़ता है गया पड़ता है, वो बिहार में पड़ता है। और कोडरमा पहाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कोडरमा घाटी। अगर आप कभी कोडरमा आए होंगे तो आपने देखा होगा कि ट्रेन के माध्यम से या फिर बस के माध्यम से तो आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ दिखती होंगी, टनल दिखते होंगे। तो मैं आपको टनल तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं जस्ट अपोजिट वे में जाऊँगा धनबाद, क्योंकि अगर मैं गया के रूट में होता तो टनल आपको देखने को मिलती। और उसके बाद ट्रेन आ रही है, silence. I don't wanna wait for the sunrise. My vision is blurred by a million little diamonds. I don't ever wanna close my eyes. We can dance until the end. We're only about to begin.
में किसी जो मूवी इवन थी दूसरी स्ट्रीट का बाकायदा आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन का जो कलर है ये येलो कलर का, और आप इन टायर देख सकते हैं इसका कोई चेंजिंग नहीं है, बस खाली कलर चेंज कर दिया गया है ताकि वो दिखने में आकर्षक लगे। पहले तो ब्लू कलर की थी, उसको चेंज कर दिया गया है। हमारे पीछे थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ट्रेन चल रही है। ट्रेन क्या होगी आप देख सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने देखा था गाना था मुझे एक्सप्रेस में जो ये फ्लाइट था उसके ऊपर टिकट चिपकाया हुआ था और वो भी अच्छा लग रहा था, और उसकी साइड में भी टिकट लगे हुए थे, पर इसमें कोई टिकट नहीं लगा हुआ है। ट्रेन का ही होगी तो आपको आप मालूम चल गया है। और बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि उत्तरी ट्रेनों में बायो टॉयलेट यूज किया जा रहा है। मैं बता दूं कि बायो टॉयलेट आज से 3 साल पहले नॉर्मली ट्रेनों में यूज किया जा रहा है, और अब तो नॉर्मली बोगियों में यूज किया जा रहा है। चलिए फिर बात करती करते हैं, अभी मैं ये ट्रेन का स्टॉपेज कहीं नहीं है, कोडरमा से सीधा बात करती है रिव्यू ट्रेन डे का। और फाइनली मैं धनबाद पहुंच गया हूं, ट्रेन राइट टाइम पे पहुंचाई, सीधा उसी स्टॉपेज नॉन स्टॉप ट्रेन थी वो कोडरमा से धनबाद तक के लिए, और पीछे हमारा धनबाद स्टेशन है। कैसा लगा आज का हमारा ट्रेवलिंग ब्लॉग? ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा ही था, 4-5 मिनट का ही होगा, उससे भी कम होगा क्योंकि हमारे एडिटर साहब थोड़ा कटिंग ज़्यादा करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और दोस्तों में, और लाइक जरूर करना और सुझाव देना कि मैं कैसे कैसे ब्लॉग आप लोगों के लाऊं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।